क्वेश्चन नंबर 12, हियर वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स व्हिच वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन. सो फॉर द प्लेन 1, सपोज इट्स अ पाई 1, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 इज गिवन वेक्टर आर डॉट 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप इक्वल टू 5. दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन 1. फॉर प्लेन 2, सपोज इट्स अ प्लेन पाई 2, सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज वेक्टर आर डॉट 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप इक्वल टू 3. These are the vector equation of two planes. These two planes are given. Question is find the angle between these two planes. Angle between these two planes is theta. We have to find the theta. Theta is your question mark. Done? Now, we know the vector equation of plane. Kya hota hai form? It's a r dot. Na? First equation is in the form of vector r dot normal vector n equal to suppose d1. The second equation is vector r dot vector equation, na, normal n2 equal to d2. So if we compare the equation of this given two plane with this one, we are getting value of n1 and n2. N1 and n2 kyun nikal rahe? Kyunki hame pata hai. If you want to find the angle between two plane, that angle is nothing but the angle between two normals of the plane. Na, do plane ke beech ka aapko angle nikalna hai, to aapko uske normal hai, uske beech ka angle nikalna padega. ये थियरी में डिस्कस किया था. सो नाउ एंगल बिटवीन टू प्लेन इज कॉस थीटा. फॉर्मूला इट्स एन वन डॉट एन टू अपॉन मोड एन वन मोड एन टू. डन. दिस इज द फॉर्मूला. सो कैन यू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दिस टू वेक्टर्स n1 and n2. What is our n1? By comparison, we can write normal equation, or we can say normal vector equation of normal for the plane 1, that is n1. N1 is 2 I cap plus 2 j cap plus, sorry, minus 3 k cap. Normal vector of plane 2 is 3 I cap minus 3 j cap plus 5 kk. These are the normal vectors. So first we have to find the dot product of these two vectors. So this is equal to dot product 2 I cap plus 2 j cap minus 3 kk dot n2 3 I cap minus 3 j cap plus 5 kk. This is dot product. Divide by magnitude of this normal vector 1. So magnitude is nothing but the sum of square of its direction cosines. Direction ratios. So it's a 2 square plus 2 square plus minus 3 square into magnitude of normal vector of vector plane 2. This is 3 square plus minus 3 square plus 5 square. Done. Now can you find this dot product? 2 into 3 6. So it's a 6 minus 6 6 minus 6. Mera nahi hua hai, main kar raha hu. Kya answer hai? Ye square root 17 aur ye square root 9 plus 9 plus 25 43. Sabka multiplication addition subtraction karo to ye minus 15 माइनस 15 और इसका 731 मोड निकाल दे तो क्या होगा? कॉस थीटा. कॉस थीटा इक्वल टू 15 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 731 और ये थीटा मिलेगा. थीटा दैट इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. कॉस इनवर्स 15 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 731 इज द आंसर. सिंपल. Very simple.
एकदम सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कुछ नहीं था इसमें तो। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं ना। टोटल 1 2 3 4 5 पार्ट्स आर देयर, मैं आपको एक पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, आपको सब कुछ आ जाएगा है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है। फॉर क्वेश्चन नंबर 13 इंस्ट्रक्शन इज, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। आपको चेक करना है कि वेदर द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, दैट मींस गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। इन द केस दे आर नाइदर, दैट मींस पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर नहीं है, तो दोनों के बीच कोई एंगल होगा। सो इन दैट थर्ड केस वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। तो आपको चेक करना है कि गिवन प्लेन पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, है ना। तो उनके दोनों के बीच का आपको एंगल फाइंड करना है। डन। सो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट पार्ट, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इक्वल टू जीरो। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट प्लेन। सेकंड इक्वेशन फॉर दिस सेकंड प्लेन, 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू जीरो। डन। सो हियर फॉर दिस बोथ प्लेन वी कैन फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज, है ना। सो व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज, A1, B1, C1, या फिर आप कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C भी लिख सकते हो। डन। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस प्लेन, A1, स्पेस करना था थोड़ा। सो A1, वैल्यू ऑफ A1 इज 7, वैल्यू ऑफ B1 इज 5 एंड वैल्यू ऑफ C1 इज 6। दिस आर द डायरेक्शन रेशियोज। यस। फॉर दिस प्लेन 2 वी कैन राइट A2, B2 एंड C2। अगेन मिस्टेक कर दी। A2, वैल्यू ऑफ A2 इज 3, B2 इज -1, C2 इज -10। दिस आर द वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। डन। नाउ पैरेलल है कि नहीं वो चेक करने के लिए क्या होता है कंडीशन, इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल देयर डायरेक्शन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। डन। 4 पैरेलल प्लेन्स देयर डायरेक्शन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, दैट मींस A1 बाय A2, B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2। दिस इज द कंडीशन फॉर टू प्लेन्स टू बी अ पैरेलल प्लेन्स। सो लेट्स चेक इट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? सो C1, C1 बाय 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन -1 इक्वल टू 6 अपॉन -10 इक्वल हो रहे, दे आर नॉट इक्वल। डन। दे आर नॉट इक्वल, दैट मींस गिवन प्लेन्स आर नॉट पैरेलल। हाँ बोलो। एंगल निकालेंगे तो वो भी चलेगा, है ना, 0 या 90 आपको करना हो तो भी कर सकते हो, लेकिन ये कंडीशन हमने स्टडी की थी ना, तो ये यूज कर रहे हैं। डन। अब वो भी कर सकते हो, ये पैरेलल के लिए था, परपेंडिकुलर के लिए क्या था, 4 परपेंडिकुलर प्लेन्स। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द परपेंडिकुलरिटी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, है ना, सम ऑफ कोरस्पोंडिंग डायरेक्शन रेशियोज विल बी 0। इट्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। देन वी कैन से गिवन टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। सो लेट्स चेक इट, A1 7 into 3 प्लस 5 into -1 प्लस 6 into -10। यहाँ से लिखा A1 A2 B1 B2 C1 C2, है ना, ये रहा A1 A2 B1 B2 C1 C2। देयरफॉर क्या होगा, 21 -5 -60 -65 21, ना माइनस में आंसर आएगा -44 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर वी कैन से प्लेन्स आर
नॉट परपेंडिकुलर। वी हैव टू चेक वेदर द प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो दोनों केस नहीं है, पैरेलल भी नहीं है परपेंडिकुलर भी नहीं है। देन थर्ड पार्ट ऑफ द इक्वेशन, इफ दे आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। डन। तो एंगल बिटवीन प्लेन कैसे निकालते हैं? यह आएगा ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू अपॉन, है ना, ये जो फॉर्मूला था वो वेक्टर फॉर्म में था, अभी इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में है। सो नाउ लेट्स से थीटा बी द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। सो लेट्स अज्यूम थीटा बी द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। लेट्स से थीटा बी द एंगल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? कॉस थीटा, यही फॉर्मूला लिख रहे लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में। डन। सो इट्स इसका मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट तो क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो इसका मल्टीप्लीकेशन, तो वो होगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ए वन स्क्वेयर बी वन स्क्वेयर प्लस सी वन स्क्वेयर ए टू स्क्वेयर प्लस बी टू स्क्वेयर प्लस सी टू स्क्वेयर। डन फॉर्मूला। नाउ वैल्यूज, दिस इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड कर दिया ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, कहाँ फाइंड किया, ये रहा, इट्स अ माइनस फोर्टी फोर अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 7 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर, क्या होगा 49 प्लस 25 प्लस 36, तो होगा 49 प्लस 25 74 प्लस 36 110 110। और ये दूसरा बी वन स्क्वेयर 3 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर 9 प्लस 1 10 100 अगेन 110 110। सो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 44 अपॉन 110, दिस इज कॉस थीटा। सो थीटा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ 44 अपॉन 110। डन, कटिंग होगा 11 टेन जा 11 फोर जा 2 एंड 5। सो और आंसर थीटा इज कॉस इनवर्स 2/5। डन, थीटा फाइंड करेंगे तो ऐसा आंसर आएगा 2/5। इज दैट क्लियर? नाउ सेम क्वेश्चन नंबर बी सी डी एंड ई, एक और ट्राई करते हैं। चलो बी पार्ट। सो हियर इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर 2x plus y plus 3z minus 2 equal to 0. Second equation of plane, for the second plane, x minus 2y plus 5, x minus 2y plus 5 equal to 0. Done? So first we have to write the values of a1, b1 and c1 from this equation 1. Then we'll write the values of a2, b2 and c2 from this equation 2. So what is the value of a1? a1 2, b1 1, c1 3. Done. Now here x, y and z is absent. So a2 is 1. Then b2 is minus 2. c2 z absent. So it's a 0. These are the values of a1, b1, c1, a2, b2, c2. Direction ratios. Then now first condition for given plane to be parallel, direction ratios must be in proportional. So we have to check whether they are in a1 by a2 equal to b1 by b2 or c1 by c2 form or not. So a1 by a2 2/1
इक्वल टू वन अपॉन माइनस टू इक्वल नहीं हो रहे, दिस इज नॉट इक्वल टू 3/0, डन। सो गिवन प्लेन्स आर नॉट पैरेलल, गिवन प्लेन्स आर नॉट पैरेलल, देन यू हैव टू चेक विदर दे आर परपेंडिकुलर और नॉट। सो लेट्स चेक द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। फॉर गिवन प्लेन टू बी अ परपेंडिकुलर, for the given plane to be a perpendicular to each other, condition is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. Let's check it. Therefore a1 a2 hai na derive kiya dikh raha hai, ye raha a1 a2 2 into 1 plus 1 into minus 2 प्लस 3 × 0, ये क्या होगा 2 − 2 + 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो हियर a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 एंड देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, वी कैन से गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर गिवन प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Is that clear, students? Given planes are perpendicular to each other. Aega? So by same way, hai na? Question number C part, D part, and E part. Try yourself. आप कर पाएंगे, है ना? हो जाएगा ना? So now, next is question number 14. 14. So here, in the following cases, find the distance of each of the given points from the corresponding given plane. Now, distance of point from the plane. ये भी हमने किया था. So देखो कैसे करना है. First part, इसमें भी हमें 1, 2, 3, 4, total 4 parts are given. So first case, first we have to find the distance of this point 0, 0, 0, 0. That is nothing but the origin. We have to find the distance of this point from the plane. Kaunsa? 3x. 3x minus 4y plus 12z equal to 3. है ना distance from origin. तो distance from origin के लिए हमें पता है ना, हम formula भी use कर सकते हैं या फिर हम जो normal form वाला formula था ना, distance of plane in normal form, वो भी use कर सकते हैं. तो फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी दैट इज x1 y1 z1, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म में है प्लेन, है ना, इट्स ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। इसका डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस हमने डिफाइन किया था ऐसे, इट्स अ मोड, x1 को यहाँ पर रखना है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज द कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट था, अपॉन a² प्लस b² प्लस c² ऐसे था, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस ओरिजिन फ्रॉम दिस पॉइंट, सो नाउ टू फाइंड द डिस्टेंस पुट 0 0 0 x1 y1 एंड z1 ओवर हियर, सो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस विल बी इक्वल टू, इसको इस साइड लेंगे तो -3 होगा, ये सब 0 होगा, है ना, 3 × 0 −4 × 0, 3 × 0 −4 × 0 प्लस 12 × 0 −3 इक्वल टू 0, तो ये −3 अपॉन a² प्लस b² प्लस c², दिस आर द वैल्यूज ऑफ a, b, c, a, b, and c, सो इट्स 3² 9 −4² 16 and 12² 144, so this will be equal to -3 upon, ये क्या होगा,
50, 60, 169, that is equal to 13. So this is equal to 3 by 13 units. This is the distance of this point from the origin. Done? Or फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो ये भी कर सकते हो आप, 3x-4y+12z इक्वल टू 3, है ना। वेक्टर फॉर्म में लिखो तो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू xi+yj+zk डॉट 3i-4j+12k इक्वल टू 3। ये कौन सा फॉर्म आ गया, दिस इज नथिंग बट दी आर डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू डी। डन, दिस इज डिस्टेंस नॉट फ्रॉम ओरिजिन। ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। वेक्टर आर डॉट नॉर्मल वेक्टर एन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नॉर्मल वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो ये जो मिला ना, ये दिस इज आवर डिस्टेंस ऑफ प्लेन, दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। डन, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, यस और नो। तो व्हाट इज डी, डी इज 3, डी इज 3। मैग्नीट्यूड ऑफ एन ये निकाल दिया हमने, दैट इज इक्वल टू, है ना, नॉर्मल वेक्टर यहां नहीं देखने तो इधर ही देखो, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 9+16+144। डन, दिस इज इक्वल टू 3/13, सेम आंसर आएगा। इज इट क्लियर, है ना। ये फॉर्मूला का यूज करके किया, ये हमने जो इक्वेशन ऑफ प्लेन इसमें जो डिस्टेंस डिफाइन किया हुआ था, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने ये यूज किया। तो यूज ये वाला करना है। डन, तो ये था फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट भी सेम। बी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, given point is 3-2, 1 from the plane 2x-y+2z+3 = 0. Done. So now what is the distance? Distance will be equal to, formula आपको याद है, 2 × 3, है ना। These are the values of x1, y1, z1 यहाँ पर put करनी है। So it's a 2 × 3 - y, that is -2. It's a -2 plus 2z, 2 × 1 + 3 upon इसका magnitude 2² + -1² + 2² ये आपका हो गया डिस्टेंस। सिंप्लीफाइड 6+2+2+3 अपॉन 4+1+4। डन, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 8, 10 and 3, 13, 13 upon √9, दैट इज 3, 13/3, दिस इज इक्वल टू 13/3 units. That is the distance of this point 3-2, 1 from this given plane. Done. Third part, C. So here we have to find the distance of the point, which point, 2, 3-5 from the plane x+2y-2z = 9. सेम, यहाँ पर 3-2, 1 था, ये प्लेन था और यहाँ पर ये प्लेन और ये पॉइंट्स हैं। सो डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इक्वल टू, दिस आर द वैल्यूज ऑफ x1, y1, z1 यहाँ पर पुट करनी है। डन, सो दिस विल बी इक्वल टू 2+2×3-2×-5, और ये 9 है ना, इस साइड होना चाहिए, तो ये -9 = 0,
तो ये माइनस साइन। फॉर्मूला चेक करो, स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट ऑफ प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो से उसका स्क्वेयर करके सम, इट्स अ वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस माइनस टू स्क्वेयर, दिस इज द डिस्टेंस। सिंप्लीफाइड क्या होगा, थ्री आ गया आंसर, इट्स अ टू प्लस सिक्स प्लस टेन अपॉन वन प्लस फोर प्लस वन, ये नाइन और इसका स्क्वेयर रूट थ्री, सिक्सटीन, एटीन। ये क्या हुआ ऊपर, माइनस नाइन, माइनस नाइन, अच्छा एटीन माइनस नाइन, तो ये नाइन बाई थ्री और ये थ्री यूनिट्स, है ना। सिंपल बोलो अर्चिता, डी में क्या आंसर आएगा, लास्ट हियर यू टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट माइनस सिक्स जीरो जीरो फ्रॉम द प्लेन टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो, डन। सो हियर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इज टू इंटू माइनस सिक्स, टू इंटू माइनस सिक्स माइनस थ्री इंटू जीरो प्लस सिक्स इंटू जीरो माइनस टू अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ फोर प्लस नाइन प्लस 36 and this is equal to minus 12 minus 2 upon 49 और उसका square root 7 और ये magnitude में, done। So this is equal to minus 14 by 7 2 units is the distance of the given point from the plane, clear।